हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं कल के लिए। सो निफ्टी बैंक का जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 52,189 पे इसने क्लोजिंग किया है। ठीक है, मतलब जाते जाते वापस से नीचे की साइड में आके इसने क्लोज कर दिया है। अभी सपोर्ट लेवल की अगर बात किया जाए, मतलब ये कहाँ पे 52,255 के नीचे है। अगर आपको याद होगा तो हमने एक लेवल को मार्क किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि 52,255 का जो लेवल रहेगा वो लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। सो फाइनली निफ्टी बैंक ने उसके सपोर्ट के नीचे क्लोज किया है। अगला सपोर्ट भी पास में ही है, जैसे 51,966 का लेवल रहेगा। ये जो लेवल रहेगा ये एक अच्छा लेवल रहेगा सपोर्ट लेने के लिए। सो कल निफ्टी बैंक को 51,966 से सपोर्ट लेके फिर से एक ग्रीन हैमर की तरह कैंडल यहाँ पे बनानी चाहिए, ऐसा मुझे एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि इतना ज्यादा सेलिंग भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस भी ले रहा है मार्केट, लेकिन वन वे बहुत बड़ी कैंडल्स आ रही है क्या? नहीं। मार्केट क्या कर रहा, निफ्टी बैंक क्या कर रहा, बीच में एक ग्रीन कैंडल बना दे रहा, फिर रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया। मतलब मार्केट में सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी जो सेलिंग का प्रेशर है वो बहुत कम है, बायर्स के कंट्रोल में यहाँ पे मार्केट है। जब तक 51,966 का जो लेवल है ना, इसके जब तक ऊपर हम रहेंगे तब तक निफ्टी बैंक बुलिश रहेगा। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 51,966 की सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है डाउनसाइड में, अगर 51,966 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक डाउन कर देता है तो वो बात अलग है कि चलो भाई ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे की साइड में तो अब मार्केट को नीचे की साइड में जाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होता है कि 51,966 के लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर अगला टारगेट हम इसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं 51,122 का लेवल। अगर 51,966 के लेवल को ब्रेक करता है तो 51,122 ये वाला अगला सपोर्ट फिर इसके लिए रहेगा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट अच्छा करेक्शन दे सकता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कल फिर से ट्राई होगा सेम जगह पे सपोर्ट बनने का। मतलब पहले मॉर्निंग में एक पहला कैंडल ही डाउन साइड में एक रेड बना देगा एंड उसके बाद सपोर्ट बना लेगा। ज़्यादा स्पेस नहीं है नीचे, छोटा सा स्पेस है। सो पहला कैंडल ही बहुत फास्ट में डाल देगा और उसके बाद में धीरे 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 करके ऐसा बुलिश प्राइस में वो रहने की कोशिश कर सकता है, ऐसा चार्ट को देख कर लग रहा है। सपोर्ट लिया तब का ये कंडीशन है, अगर ये सपोर्ट बनाया तो ठीक है, एंड सपोर्ट बनाता ही नहीं है तो फिर हम लोगों को पता है कि नीचे की साइड में किस तरफ जाने वाला है। 966 थोड़ा तो डायरेक्टली 51,122 का लेवल है ही इसके पास, जहाँ से इसने रैली किया था, यहाँ से इसने रैली किया था, कंसोलिडेट किया, फिर रैली किया, फिर रुका, फिर रैली किया, फिर रुका, फिर रैली किया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यहाँ से निगेटिव साइड का प्राइजेक्शन इसने स्टार्ट कर दिया। सो 51,966 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, हो सकता है कल निफ्टी बैंक 966 तक आ ही जाए, क्योंकि दो दिन यहाँ पे होल्ड किया, इस जगह पे भी होल्ड किया, इस जगह पे भी होल्ड किया, लेकिन आज उस जगह का ब्रेकडाउन कर दिया एंड फिर से कंसोलिडेशन में लग गया। सो मेरे हिसाब से सपोर्ट ही लेना चाहता है, क्योंकि सेलर का प्रेशर रहता तो बहुत तेजी से रहता, सेलर का जब जब प्रेशर बना है तो बहुत तेजी से सेलर का प्रेशर रहता है, ये इतना तेजी से नहीं आ रहा, काफी स्लो एंड स्टडी डाउन साइड में आता है, उसके बाद ये वापस से रुक जाता है। सो वही कि कल 51,966 के पास आ जाए, सपोर्ट लगा ले एंड उसके बाद में वो ऊपर की साइड के लिए मोमेंटम करे तो ठीक रहेगा। अगर हम इंडिया विक्स को भी देखते हैं तो इंडिया विक्स इतना कुछ बढ़ नहीं रहा, आज 3% ऊपर था, वापस 2% नीचे आके इसने क्लोज किया, मतलब 3% में से 2% नीचे आके 1% प्लस में अभी वो क्लोजिंग दिया हुआ है। सो वही कि मार्केट को अगर बुलिश रहना है अच्छा खासा तो फिर उसको सपोर्ट्स लगाने चाहिए, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट भी अच्छे नहीं बना रहा, ऊपर की साइड में भी नहीं जा पा रहा। सो कल 51,966 का लेवल एक्सपेक्टेड रहेगा गाइस, कि इस लेवल के पास से सपोर्ट लग जाए 51,966 की सपोर्ट के पास से, एंड उसके बाद धीरे 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 करके फिर जहां से गिरा है ना वहां तक जाए, जैसे कि 52,744 का लेवल। अगर 51,966 की लेवल से सपोर्ट लग जाता है, 51,966 की लेवल से सपोर्ट अगर लग जाता है तो 52,700 लगभग 800 पॉइंट के लिए इसके लिए जगह बन जाएगी ऊपर की साइड में, ठीक है। ये निफ्टी बैंक का एनालिसिस है। एंड ओपनिंग अगर आप आजकल देखोगे तो ओपनिंग फ्लैट ही ओपन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं ओपन हो रहा, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन हो रहा, फ्लैट ओपन हो रहा है, सेम रेंज के आसपास ओपन हो रहा है। तीन दिन से सेम स्ट्रक्चर है, सेम रेंज के आसपास हम ओपन होते हैं एंड धीरे धीरे नीचे आके क्लोज कर रहे हैं। सो कल फाइनली 966 का सपोर्ट लग जाना चाहिए, ये निफ्टी बैंक से एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड है। अगर आप पूछोगे कि निफ्टी बैंक का आज का प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर कहाँ पे बना था, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अभी ये वाला पहला कैंडल है 915 का, ये पहला कैंडल है आज का 10 जुलाई का। यहाँ पे ये ओपन होता है, पहला कैंडल है 300 पॉइंट के प्लस कैंडल है, फर्स्ट कैंडल 300 पॉइंट प्लस कैंडल है। सो इतना तो डाउन साइड में तो जाएंगे नहीं रनिंग में। रनिंग में एक मैंने बोला था कौन सा लेवल था, वो 366 टूटने के बाद में 255 तक 100 पॉइंट का वो मोमेंटम एक रनिंग में हुआ, उसके बाद ऊपर गया। फिर मार्केट ने यहाँ पे मैंने एक जोन ड्रॉ किया था रेजिस्टेंस वाला 52,366 जो पहले सपोर्ट था, ये तोड़ेगा तो 255 जाएगा ऐसा उम्मीद था। 255 भी आया, फिर 52,366 सेम लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया, सेम लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पे जैसे छोटा हैंगिंग मैन बना, फिर ये कैंडल में मेरा व्यू बना कि इसको नीचे की साइड में जाना चाहिए। फिर मार्केट मस्त रुका, मस्त मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया एंड उसके बाद पूरा दिन टाइम पास किया। यहाँ पे सेटअप बना था। आप बोलोगे फिर आपने शूटिंग स्टार को काउंट क्यों नहीं किया, ये भी तो शूटिंग स्टार कैंडल है। देखो शूटिंग स्टार कैंडल इतना अच्छे से वर्क नहीं करता है, ठीक है। शूटिंग स्टार कैंडल वर्क करता है जब वो टॉप पे रहता है, रिटेस्ट पे शूटिंग स्टार नहीं, रिटेस्ट पे एक तो छोटा सा रेड कलर का कैंडल चाहिए फुल बॉडी क्लोजिंग वाला, या फिर हैंगिंग मैन कैंडल चाहिए, दोनों में से कोई एक कैंडल चाहिए तो वो बेहतर रहता है, ठीक है। एंड निफ्टी बैंक का भी आप देखोगे तो उसके बाद साइडवाइज क्लोजिंग किया है, सो लेट्स सी कल सपोर्ट बना लेता है तो बेहतर रहेगा। पहला कैंडल ग्रीन भी जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि रेड आ सकता है, ऐसा नहीं होगा, पहला कैंडल ग्रीन भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे हैमर कैंडल, 5 मिनट में मुझे हैमर कैंडल दिख रहा है, ये कैंडल काम करेगी। सो कल का चार्ट ओपनिंग के बाद में कुछ ऐसा चार्ट हम लोगों को दिखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक के बारे में। अभी बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया है आज का 461 का, ठीक है, 24,461 यहाँ पे इसने हाई लगाया हुआ है। हम कब से 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, हम 24,000 के नीचे जा नहीं रहे, 24,000 के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। सो निफ्टी का आज इतना रेड कैंडल दिखने को मिला है, लेकिन इसने कवर अप भी किया है। नीचे से आप देखोगे तो आधा आधा मोमेंट इसने कवर अप कर लिया, डाउन साइड का आधे मोमेंट को इसने कवर अप किया है, तो इसमें चांसेस क्या है कल इसका ऊपर की साइड का मोमेंटम होने का चांसेस है निफ्टी में, क्योंकि लास्ट के टाइम पे कवर अप तो कर ही लिया है। सो इसके इसमें ऊपर की साइड के लिए 24,466 के ऊपर 24,522 का टारगेट पॉसिबल होगा, 24,588 इसके लिए पॉसिबल होगा, 24,622 ये लेवल इसके लिए ऊपर की साइड में पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नीचे लास्ट के टाइमिंग में नीचे आकर इसने क्या किया, थोड़ा रिकवर करने का कोशिश किया है। हाई कितना बनाया इसने, आज का हाई बनाया 341 के आसपास हाई लगाया है, हाई जो लगाया है 339 मतलब 340 के पास आप बोल सकते हो। अभी इसने यह किया नीचे आते समय पे, यहाँ पे एक लो लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक लो लगाया, हैमर कैंडल यहाँ पे बना, सेम टीजर टॉप यहाँ पे बना एंड उसके साथ प्रीवियस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है। मतलब कल क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे ट्विजर बॉटम बना दिया, मतलब बेस के ऊपर बेस क्रिएट कर दिया, तो अभी कल क्या हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे बेस क्रिएशन का काम हो सकता है। इस तरह से पैटर्न इसका कल हो सकता है, फॉलो ये कर सकता है एंड ये जो सेलिंग किया है मेरे हिसाब से ये सेलिंग को ये पूरा कवर अप करने का ट्राई कल कर सकता है, ठीक है। एंड ओपनिंग की बात किया जाए तो ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन मुझे इम्पॉसिबल लगता है, लगभग फ्लैट ओपनिंग की तरह वो कर सकता है एंड उसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन इसका रह सकता है। अभी कल फिर सपोर्ट लेता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा, अगर ये कल सपोर्ट लेता है ना तो 24,266 का लेवल रहेगा, 24,266 का सपोर्ट लेवल रहेगा जहां पे उसका सपोर्ट लेने का ट्राई रहेगा वापस से। यहाँ पे निफ्टी को कल सपोर्ट लगा लेना चाहिए, यहाँ पे अच्छा कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए, देन निफ्टी ऊपर की साइड के लिए ठीक रहेगा फिर, ठीक है। ये इसका चांसेस है निफ्टी 50 का। बाकी ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है तो वेट करना पड़ता है प्राइस एक्शन के लिए एंड फ्लैट ओपनिंग हुआ तो जैसे हमारा व्यू है कंटिन्यू वैसे रहेगा एंड जो टारगेट रहेगा फिर जो प्रीवियस हाई है रेजिस्टेंस लगा है आज जहाँ से सेलिंग हुआ था बस ऑल टाइम हाई जाने के लिए वो रेडी रह सकता है। इसमें भी डाउन साइड के लिए तभी सोचेंगे जब वो 24,000 के नीचे रहेगा, 24,000 के जब तक नीचे नहीं रहता तब तक इसको डाउन साइड में सोचने वाली बात नहीं है। 24,000 ही नहीं 23,988 का लेवल रहेगा, जब तक इसमें आएगा ना जब तक इस लेवल के पास है तब तक इसमें बाय ऑन डीप है, सपोर्ट लेवल है, इतनी बात आपको याद रखनी है। सो वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।